अब मेरी एक मानी दो दो माए हैं। वाह जी वाह, नई शादी का देखिए ट्रिक सक्सेसफुल। जितनी लड़कियां देख रही हैं ये सब जरूरी बातें हैं जो इंटरव्यूज वगैरह में पब्लिकली चार लोगों में उठे बैठे तो जरूर कहें। कहती रही आप करिश्मा, प्लीज कंटिन्यू। और इंडिपेंडेंट है, स्पेस देते हैं, चाहे ना देती हूँ, बार बार बोलेंगे तो क्या पता देने लग जाए, है ना? करेक्ट, पॉजिटिव अफर्मेशन। मेरी मदर इन लॉ तो बहुत कूल है, चाहे वो दुनिया की सबसे अनकूल इंसान हो, पर बोलते रहो तो थोड़े दिनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अक्सर बंबई में तरह तरह के आर्टिस्ट रहते हैं, कुछ टीवी वाले हैं, कुछ फिल्म वाले हैं, कुछ ओटीटी वाले हैं, तो इनका सबका वर्ल्ड जो है वो बहुत अलग अलग है। मतलब आपको लगता होगा कि आसपास ही तो रहते हैं, मिलते जुलते होंगे, पर ऐसा है नहीं। पर इन सारी दीवारों को धराशायी करते हुए आज जो शख्स मेहमान हमारे साथ बैठे हैं वो इन्होंने सारी दीवारें तोड़ दी हैं, इनकी मोहब्बत जो है वो जीती है। ठीक है करिश्मा, आपका स्वागत है साहब हमारा। इनका एक बड़ा खूबसूरत सा शो आ रहा है जी, क्या नाम है उसका? स्कूप। स्कूप नाम है और कहाँ आ रहा है? नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, प्लीज देखिए, प्लीज देखिए। तो उसी बाबत जो है ये इंटरव्यू हम लोग कर रहे हैं और हमें लगा कि मिलने का मौका मिल जाएगा, कर ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई। थैंक यू फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। बहुत ही डिफरेंट और इनोवेटिव इंट्रोडक्शन था, ऐसा मैंने पहले कभी सुना नहीं है, सो आई लव्ड इट। पैसे लेके करते हैं तो मेहनत करते हैं। टैलेंट का पैसा है। जी 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 सर, आपका भी टैलेंट बहुत रहा है, आपने भी मतलब कहाँ कहाँ आपने मतलब हर जगह वेंचर आउट किया है। कुछ और कहने वाला था, मतलब लिटरली आपने घाट घाट का पानी पिया है। तो कैसा रहा सफर, कैसा लग रहा है आपको, कहाँ पहुंच गए आप बताइए? आपने जैसे बोला ना कि घाट घाट का पानी पिया है, ये भी ट्राई किया, ये भी ट्राई किया है, मैं उसको आई थिंक शिफ्टिंग गियर्स बोलूंगी। अच्छा, बिकॉज आई फील आई स्टार्टेड विद टीवी और वहाँ मैंने खूब सारा एक्सपीरियंस लिया, फिर मैंने थोड़ा सा रियलिटी टीवी किया, फिर मैंने थोड़ा सा थिएटर किया, वहाँ एक्सपीरियंस लिया। फिल्म्स में इतनी कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, तो मेरे जैसे एक्टर को एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक्ट करने का मौका मिला वेयर आई कैन शोकेस माय एक्टिंग टैलेंट और हियर आई एम ओटीटी। माशाल्लाह से एक अलग ही स्टेशन है, दादर पनवेल के भी आगे निकल। तो जाकिरल के लिए कौन नहीं मरना चाहेगा बताइए। ठीक है, तो मैं खैर बहरहाल मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था वो ये है कि आराम से तफसील से बताइए जी, कोई जल्दबाजी नहीं जी। ठीक है, एक्टिंग जिंदगी में क्या घर में कोई एक्टर है, किसी से कोई है, इस तरह का माहौल था घर में, तो कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे वो मौका मिला? मैं गुजराती बैकग्राउंड से आती हूँ, एक टिपिकल जॉइंट फैमिली में रहती थी मैं, एंड बस मैं साउथ बॉम्बे में रहती थी और वहाँ एक मेरा कॉलेज था सिद्धम कॉलेज करके, वहाँ एक सेक्शन हुआ करता था जहाँ यू नो कॉलेज के बच्चे फोटोग्राफी सीखते थे और मैं ऐसी आती जाती रहती थी कॉलेज में, लेक्चर्स अटेंड करती थी और एक बंदे ने मुझे पकड़ा और बोला कि आपका फेस बहुत फोटोजेनिक है तो मैं खींच सकता हूँ बिकॉज मेरा एक प्रोजेक्ट है। मैंने बोला या श्योर, और वही वाले पिक्चर्स ना मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए लोगों को, मतलब बालाजी रोड पे, नहीं नहीं एड्स के लिए। मतलब आपके जहन में तो था ना? मतलब हाँ, जहन में था, मतलब जहन में जब बचपन में ना ऐसे बहुत आइडियाज थे कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी, मैं एक्ट्रेस बनूं, थोड़ा सा कीड़ा तो था ही क्योंकि मिरर आता था तो मैं तुरंत ऐसे सब नाटक, एक पता तो चल गया था कि थोड़ा एक नमक तो है, थोड़ा सा ऐसे माधुरी दीक्षित गाना आता था तो डांस करना चालू, फैमिली में सब लोग बोलते अरे करिश्मा उठ के जरा डांस कर, तो वो था एक थोड़ा सा छोटा सा कीड़ा था, पर ऐसे हाईलाइट नहीं हुआ था कि मुझे यही बनना है, मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती हूँ, ऐसा नहीं था, बहुत सारे कंफ्यूज। But you were no, you were prettier of the lot. Yeah. Yeah. So मुझे बालाजी से ऑडिशन के लिए फोन आ गया तो मैं तो शॉक, मैंने बोला ओह माय गॉड मुझे तो एक्टिंग आती नहीं और मुझे ऑडिशन के लिए फोन भी आ गया, अब मतलब मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए, मुझे समझ में नहीं आया मैं तुलसी और मिहिर और बा और सबके सामने एक्टिंग करूँ कैसे। कैसे तैसे मैंने की एंड आई गॉट अप्रूव्ड and from there I think there was no looking back in TV. MashaAllah. And na dad mere kabhi bhi is line ko leke approve nahi karte the, he was always against this line, to unhone na mere se baat karna band kar diya tha jab main modeling karna chahti thi tab. Ye kaise, thoda sa bataiye is bare. You know I come from a Gujarati family where jo ladke paida hote unko zyada preference milta tha, जो लड़की है, मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, जो लड़की पैदा होती थी तो उनको कम प्रेफरेंस मिलता था, मतलब अगर बहुत स्टूपिड एग्जांपल दे रही हूँ पर जब मैंगो का सीजन आता था तो मेन जो मैंगो पीसेस होते थे वो मेरे भाइयों को जाते थे, कजिन ब्रदर्स को, और जो पिचका हुआ होता था वो मेरे और मेरी बहन को मिलता था। आई हैव एन एल्डर सिस्टर ऑल्सो,
तो ऐसा मेरे जो ग्रैंड मॉम ग्रैंड डैड थे वैसा हमारे साथ बर्ताव करते थे, जॉइंट टिपिकल गुजराती फैमिली. तब मैंने सोचा कि मैं एक टिपिकल गुजराती लड़की नहीं बनूंगी जहां मैं शादी करके सेटल हो जाऊंगी, हस्बैंड को यू नो ध्यान रखूंगी एंड ऑल दैट. मैं अपनी अपने दम पर जीना चाहती हूं, मैं खुद सक्सेसफुल बनना चाहती हूं, एंड जो मेरे डैड ने सफ़र किया है, मेरी मॉम ने सफ़र किया है, वो मैं खुद नहीं करूँगी. एंड मैं कोशिश करूँगी कि अपनी मॉम डैड को वो लाइफ और वो खुशी दे सकूँ जो एक लड़का दे सकता है. Awesome. तो मतलब मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि जब सेकंड बच्ची जो मैं हूँ पैदा हुई थी वो भी लड़की हुई थी, तो मेरी मम्मी ने मेरी शक्ल नहीं देखी थी एक महीने तक कि लड़की पैदा हुई, क्योंकि मम्मी को बहुत खुशी थी कि लड़की पैदा हुई, पर जो फैमिली का प्रेशर था कि अरे लड़का नहीं दे पाई, तो मम्मी ने एक महीना मेरा फेस नहीं देखा था. और मम्मी ने मुझे जब बोला तो आई वॉज शॉक्ड. एंड देन मेरी मम्मी की बहन ने बोला था कि यही छोटी बच्ची लड़का बन के दिखाएगी तेरा. सो देन माई मदर स्टिल आज तक मेरी मम्मी रोती है कि मैंने एक महीना तेरा चेहरा नहीं देखा था, अब तू ही मेरा बेटा है. तो दुनिया चेहरे को देखने की या सो दैट फीलिंग ना. तो आई ऑलवेज थैंक गॉड, यू नो ग्रैटिट्यूड. हम लोग सक्सेस आ जाता है हमारे हाथ में, वी ऑलवेज फॉरगेट टू गिव दैट ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू टू गॉड. तो मैं एवरी डे इन द मॉर्निंग मैं भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, कि मैंने सोचा और मेरे जिंदगी में हुआ. तो जब नाम होने लगा तो ये जो बाकी के रिश्तेदार हैं उनसे आपकी मुलाकात बातचीत है? नहीं, मुलाकात तो नहीं है. कभी कभी मैसेज जाता है राखी पर. जब साथ में रहते थे तब राखी बांधी नहीं. हाँ, बांधते नहीं थे. और जब अब दूर है, अब मैं कुछ बन गई हूँ, तो अब मतलब यू नो दे आर ट्राइंग टू गेट इन टच. पर अब कोई कोई जो एक मैं बोलती हूँ ना, कोई कोई जो डेंट होता है, जो बचपन में एक खरोच एक एक गंदी मेमोरी आ जाती है, उसके बाद आपको मन खट्टा हो जाता है. तो अब क्योंकि मेरे पापा भी नाउ ही इज़ नो मोर, वो 10-11 साल हो गए दैट ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड. और मुझे वो सब याद आता है कि कैसे मेरे पापा को परेशान किया गया था जब वो ज़िंदा थे. तो अब इट्स इम्पॉसिबल कि वो तार जुड़ेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल. व्हाट्स योर हैप्पीएस्ट मेमोरी विद योर फादर? दैट आई यूज़ टू do head massage. He used to love massages and he knows that I have a good soft hand. तो जब भी पापा का सिर दुखता था या पापा को मेरा अटेंशन चाहिए था तो बोलते थे कि प्लीज़ ज़रा चंपी कर दे. तो आई यूज़ टू डू हिज हेड मसाज. दैट वॉज माई हैप्पीएस्ट मोमेंट विथ हिम. क्योंकि हम लोग उस 10 मिनट यू नो लाइक काफ़ी बातें कर लेते थे. एंड वॉट इज अकॉर्डिंग टू यू बिटवीन यू एंड हिम, वॉट इज द प्राउडेस्ट मोमेंट कि यार ये जब पापा के सामने होना तो मुझे मजा आया? जब पापा मेरा टीवी पे काम देखते थे तो सबको फ़ोन करके बोलते थे कि अरे यू नो शाम को 7 बजे करिश्मा का ये शो आने वाला है, प्लीज़ देखना एंड ऑल दैट, डोंट मिस इट. और आते थे और सेट पे आज तक कभी नहीं आए. एक बार मैं लिटरली उनको फोर्स करके लेकर आई थी, पर वो ऐसे कोने में बैठे थे कि किसी को पता ही ना चले कि वो करिश्मा के पापा है. मतलब नथिंग, मैं बोलूँ ना कुछ लेना देना ही नहीं है इस इंडस्ट्री में. अगर आप मेरे मॉम डैड को मिले तो आपको लगता है अच्छा ये है, इतने सिंपल, कुछ पता नहीं. अभी मम्मी को भी आप बिठा दो कैमरा के सामने, एक सेंटेंस नहीं बोल पाएगी. वैसा उस हिसाब से तो माशाल्लाह सही जा रहा है इंटरव्यू. और मम्मी को मैं बोल के मम्मा एक सेंटेंस बोल, एक सेंटेंस बोल, एक सेंटेंस नहीं आता है मुंह से. माय डैड इज द सेम, माय सिस्टर इज द सेम, एवरीबॉडी. सिस्टर गॉट मैरिड अर्ली? सिस्टर वाज लाइक अ टिपिकल ऑपोजिट ऑफ मी. 21-22 की उम्र में शादी भी कर ली, 23 में बच्चा भी हो गया, 26 में दूसरा बच्चा भी हो गया. तो मतलब टिपिकल गुजराती. मेरी कुछ थ्योरीज हैं जिन्हें मैं लोगों के हर इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स के मैं रीट्रेट करता रहता हूँ. तो उसमें एक थ्योरी है कि अगर छोटे बच्चे को अगर कुछ तूफानी करना है तो उसके लिए जो फर्स्ट बॉर्न होता है उसे कुर्बानी देनी पड़ती है. तो अगर वो 21 में शादी नहीं करती ना तो दो उस्ताजियां बैठी नहीं होती. तो कि somebody has to fulfill the basic criteria कि ये चेक 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 चेक, अब इस वाली में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. वो तो मतलब ऐसे ही मस्त मौला. तो मम्मी के साथ आपका अभी मम्मी कैसा रहता है आपका, कितना रेगुलरली मिलती हैं? मम्मी नहीं रेगुलरली, मतलब हम लोग साथ में ही रहते हैं. मम्मी और मैं लाइक लिटरली बेस्ट फ्रेंड्स हैं. और मैंने पहले से ही ठान लिया था कि मैं जब भी शादी करूंगी मम्मी मेरे सेम बिल्डिंग में रहेगी या तो सेम लेन में रहेगी, आगे पीछे ही रहेंगे हम लोग. मैं कभी भी मम्मी को किलोमीटर से दूर, किलोमीटर 500 मीटर के अंदर रखूंगी. अंदर 500 मीटर भी नहीं, 200 मीटर के अंदर रखूंगी. करते हैं आप ये? हवाई 10th फ्लोर पे मेरी मम्मी रहती है. आई लिव ऑन द 11th फ्लोर एंड 12th. माशाल्लाह
क्या बात है? तो ऊपर नीचे मैं कह रहा हूँ एक छेद कर दीजिए आप छत इंटरकॉम है छत में जेते सामान उसमें वही रस्सी डाल के वो होता ना जैसे जी कि रस्सी डाल के सब्जी वाले से सब्जी हाँ, ले लो तो वही की वही आप वही की वही बस वही नहीं पर मेरी मदर इन लॉ भी है मेरे साथ तो अच्छा अब मेरी एक मानी दो दो माए हैं तो वाह जी वाह नई शादी का देखिए ट्रिक सक्सेसफुल जितनी लड़कियां देख रही हैं ये सब जरूरी बातें हैं जो इंटरव्यूज वगैरह में पब्लिकली चार लोगों में उठे बैठे तो जरूर कहें कि अब मेरी एक नहीं दो दो माँ दो दो माँ हैं एंड लकीली ना मैं आई एम लकी ट्रस्ट मी ज़ाकिर दैट माय मदर इन लॉ इज नॉट दैट टिपिकल हाउस वाइफ टिपिकल सब लड़कियां जितनी हैं अभी देख रही हैं नोट कर रही हैं सब कहती रही है आप करिश्मा प्लीज कंटिन्यू टिपिकल सासू माँ नहीं है माशाल्लाह सास नहीं है मेरी वो आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है अच्छा तो शी इज वेरी इंडिपेंडेंट तो अपनी मदर इन लॉ की कोई हॉबी ढूंढ के रखें और जब लोगों से बात करें तो वो मेंशन करें हाँ और इंडिपेंडेंट है स्पेस देते हैं एंड चाहे ना देती हूँ बार बार बोलेंगे तो क्या पता देने लग जाएं है ना ठीक है करेक्ट पॉजिटिव अफर्मेशन मेरी मदर इन लॉ तो बहुत कूल है चाहे वो दुनिया की सबसे अनकूल इंसान हो पर बोलते रहो तो थोड़े दिनों में कन्वर्ट हो जाएंगे वाह माशाल्लाह इतना पारिवारिक इंटरव्यू मतलब इतनी पारिवारिक बातचीत में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी मतलब कहाँ आप नागिन बनती हैं और इतना और इतना मतलब हॉटनेस का आपकी इतना चर्चे हैं और ये हैं और बिग बॉस हमने देखा है आपका और खतरों के खिलाड़ी वगैरह आप हो आई हैं झलक फलक कर दिया है आपने आपको नहीं हम भी तो क्योंकि से देखते आ रहे हैं ना अच्छा हाँ तो वैसा वाला ना थैंक्स फॉर रबिंग इट इन मतलब हो गए ना 20 साल सॉरी हूं मैं माशाल्लाह मुबारक हो थैंक यू थैंक यू बड़ी बात है ये थैंक यू बहुत मतलब बड़ी मेहनत लगती है ऑफ कोर्स बने रहने में भी पर फिर भी मुझे ऐसा पता नहीं जाकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो ड्यू नहीं मिला है इतने साल इस इंडस्ट्री में रहकर भी एक होता ना एक हाई पॉइंट आता है एक एक्टर का वो एक हाई पॉइंट मुझे लगा था संजू के बाद आएगा When you got that opportunity, you were excited about? Yeah, I was excited because though I knew that it's a guest appearance role, but I knew it's a prominent role. But after the release, I thought I will get... the response was very good. Everybody, in the critics also, people did mention this character, Pinky. But wo mujhe aisa lag raha hai ki mera due ab tak nahi aaya hai. And I'm hoping that after this show, Scoop, which is like the best show of my career, iske baad... I'm hoping I get my due. हाँ मैंने देखा है मैं actually रात को 12:30 बजे देखना चालू किया था मुझे लगा कि इंटरव्यू करना है एक आधा एपिसोड देख लेते हैं तो मैं सुबह 10:30 बजे सोया ठीक है क्योंकि एक एक घंटे के एपिसोड हाँ, एक एक घंटे के और 6 एपिसोड है ठीक है शो के बारे में थोड़ा सा बात करें जी है ना आप ये बताइए कि आपका कैरेक्टर कैसा था मत बताना एक्चुअली है ना वो तो सबको पता चली जाएगा मेरे पता चली गया होगा आप एक्टिंग करती हैं इतने सालों से आप काम कर रही हैं तो मैं कहता हूँ कि हर 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 सेट का एक अपना मूड होता है एक जी तो हंसल सर के सेट का मूड बताइए आप तो क्या कैरेक्टर एक्टर मन लगी है छोड़ो तो जब मुझे पहली बार फोन आया था फ्रॉम मुकेश छाबरा कि आपने ऑडिशन दिया है और आप सिलेक्ट हो गई हो तो मेरे लिए तो मतलब ड्रीम कम ट्रू था कि पहली बार तो मैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे दिखने वाली हूँ सेकंड हंसल मेहता इज डायरेक्टिंग आफ्टर अनदर शो विच वाज अ हिट तो मतलब मैं तो पागल और स्ट्रेस भी तो दोनों का वो इमोशंस मिक्स था कि खुशी भी है एट द सेम टाइम स्ट्रेस भी है कि भाई मैं एक्टिंग कर पाऊंगी कि नहीं उनके सामने ना ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो जब पहली बार हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग हुई और हम लोग सब पूरा जो कास्ट है वो मिले तब जाकर पता चला कि अरे हंसल सर तो हमारे जैसे ही है मतलब यू नो लाइक फुल ह्यूमर नॉर्मल पैर वगैरह दो ही हैं उनके मतलब चिल्ड आउट है कुछ एक्स्ट्रा हाथ वात आठ नहीं निकले उनके वैसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं था चिल्ड और वुड फ्लाई या और एक्टर को ब्रीद करने देते हैं जैसे बात करनी हो वैसे बात करो अगर आप वाइल्ड शूटिंग फंबल भी कर रहे हो तो कीप द टेक ऑन तो हम ये कह सकते हैं कि हंसल सर जो है वो एक अच्छे डायरेक्टर का एग्जांपल जी ठीक ऐसे कि एज इफ यू हैव एन ऑप्शन बट व्हाट इज जेन्युइनली सच अ डार्लिंग अच्छा तो What is an example of a bad director and a bad set? मतलब ये भी लोगों को पता चलना चाहिए ना कि खराब काम क्या होता है परेशान कैसे हो जाते हैं लोग देखो एक एक्टर को सब कुछ याद रखना पड़ता है आई मीन ठीक है आई अंडरस्टैंड एक्टर का जॉब है ये करना बट एक्टर को लाइन याद रखनी पड़ती है एक्टर को कहाँ लेफ्ट राइट जाना है वो याद रखना पड़ता है एक्टर को एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं एक्टर को
छः सात घंटे के बाद फ्रेश ही दिखना है कैमरा पे, भले पीछे कैमरा के पीछे जितने भी लोग थके हुए हो, पर एक्टर को फ्रेश दिखना है हमेशा. उसके ऊपर अगर वो स्ट्रेस दे या मुंह बिगाड़े या तो अरे यार लेट्स टेक वन मोर ऐसा हो, या तो अपने अपने एक्टर पे बिलीव ना करे, तो क्या होता है ना, एक्टर कैमरा के सामने होता है तो सारे इमोशंस दिखते हैं उनके. हाँ, के वो पकड़ा जाता है. हाँ, कि वो डरे हुए हैं या नर्वस है या अंदर, बिकॉज माहौल नेगेटिव हो गया है तो एक्टर भी नेगेटिव हो जाता है, तो वो सब ना माहौल से मैं डरती हूँ. तो मुझे वैसे वाइब्स, वैसे डायरेक्टर से मैं ना ही मिलूँ तो अच्छा है. अच्छा, सो आई एम लकी कि मुझे अभी तक अच्छे डायरेक्टर्स मिले. ऑफ कोर्स. पता कैसे चला फिर ये सब है कि ये होता है तो ऐसा बुरा लगता है. किसी ने तो कुछ किया ही होगा ना. ये एक तो इतना वाइट वॉश कर देते हैं ये लोग कि बिल्कुल ही मुकर गए कि अपना तो सब सही रहा है. सुना है सुना है कि ऐसा रहता है ना. नहीं हुआ है एक दो बारी, सॉरी. तो हम नाम पूछ ही नहीं रहे, हम कह नहीं रहे कि नाम बताओ आप, माहौल बताओ आप. तो खाली नाम तो हम ढूंढ लेंगे. क्या कपड़े पहने थे आपने उस दिन? सब हमारे लड़के बहुत तेज हैं इंटरनेट पे, सब ढूंढ लेंगे कि अच्छा ये कपड़े ये फिल्म में पहने, ये शो में पहने थे इस दिन, और ये डायरेक्टर का नाम था. आप तो बताओ क्या था, एक डिटेल दे दो, बाकी हम निकाल लेंगे. थैंक यू लेट्स मूव ऑन. अच्छा, तो आसपास के जो एक्टर्स हैं उनके साथ आपका कैसा इक्वेशन रहा, उनके साथ कैसा मजा आया, नाम लेके बताइए. जी, पहले तो मेरा फर्स्ट सीन था जीशान के साथ, जो मेरे बॉस प्ले कर रहे हैं इस शो में. एंड मतलब मज़ा आ गया उनके साथ काम करके. ऑफकोर्स मैंने उनको फिल्म्स में देखा है और हमेशा बोलती थी कि व्हाट एन एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर, काम करना है यार इसके साथ. एंड जब पहली बार हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग में मिले तो थोड़े से इंट्रोवर्ट से है, आप जानते ही हो उनको, थोड़े से ऐसे मतलब इंट्रोवर्ट है, कम बातें करेंगे, बहुत ही पोएटिक है, मतलब उर्दू वर्ड्स निकलते हैं उनके मुंह से जब बात करते हैं, तो हम लोग ओ हो एक्टर एक्टर एक्टर. और थिएटर थिएटर. हाँ, थिएटर थिएटर चल रहा था. मैंने बोला बस खत्म, मैं तो कैसे एक्टिंग करूंगी इनके सामने. जीशान जो है वो NSD से भी हैं. हाँ, तो वो भी एक उनका है और सीनियर लेवल पे है. तो बस मैं तो ऐसे थर 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 हो रहा था कि एक्टिंग कैसे निकलेगी इनके सामने. पर धीरे 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 मुझे लगा मैं ही वो आइस ब्रेक करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे शांत स्वभाव के है थोड़े से, तो मैंने ही बात करना चालू कर दिया. और मैं थोड़े से जोक्स मारती थी तो वो हंसते थे, फिर मेरे पे जोक्स मारने लगे तो मुझे जेन्युइनली हंसी आ रही थी कि अरे ह्यूमर अच्छा है. तो मतलब ऐसे हमारा फनी तो वो बहुत है, बहुत फनी है यार, मतलब वो स्ट्रेट फेस फनी है. हाँ. तो मतलब मुझे ना ह्यूमरस लोग बहुत ही पसंद है. दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई लव हंसी सर, आई लव यू फॉर दैट. आई लव पीपल हु मेक एवरीबॉडी लाफ. लव मतलब लव, माय हस्बैंड लव्स एवरीबॉडी. क्या जरूरत थी ये बीच में लाने की, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना हिस्सा है उतना ही काफी था. आई टू लव वर्किंग विद जीशान. भाई आज हमने क्या सीखा, फनी हो जाओ लड़कों. वही खेल है सारा, क्योंकि अभी हंसना मजा आता है. आई लव लाफिंग. यही है ट्रिक है ना, देख लो अब तुम. मैंने बता दिया ब्रह्म ज्ञान आज मिल गया है, आगे तुम संभाल लो ठीक है. अब आप तुम्हारी किस्मत बाबा. आर्ट और स्पोर्ट्स में एकदम बराबर एनालॉजी तो उसकी नहीं ड्राइव होती, पर कुछ कुछ चीजें हमारी मिलती हैं उनसे, कि हर बैट्समैन जब उतरता है तो ये सोचता है कि इस इनिंग में मैं कुछ ऐसा करूंगा जो पिछली वाली से अलग हुआ, या इसमें इस इनिंग को देख के लोग मेरे बारे में ये कहेंगे. हर बार जब आप बैटिंग करने जाते हो, तो हर बार जब आप एक आउटिंग करते हो एज एन आर्टिस्ट, तो आप एक अपने दिमाग में भी या जहन में कि यार मेरी पोजिशनिंग अब मैं ऐसी करना चाहती हूँ. क्या होता है ना, एक्टर के लिए टाइपकास्ट हो जाते हैं एक्टर्स बहुत जल्दी. करिश्मा तन्ना लंबी है, करिश्मा तन्ना की बॉडी अच्छी है, करिश्मा तन्ना का फेस अच्छा है, शी इज प्रिटी, तो चलो हम उनको ही. हाँ, आई नो, उनको टाइपकास्ट कर देते हैं करिश्मा तन्ना हॉट 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 हॉट. बट एक्टर वो गायब हो गया था मेरे नाम से, तो वो मुझे वापस लाना था. तो इस शो के साथ आप वहां जाना चाह रहे हो 100%. तो क्या ये वो आपका, ये वो है आपका? हाँ जी, ये बेस्ट फुट क्या, तो बेस्ट फुट फॉरवर्ड. ये बस देखो इंग्लिश मेरे दिमाग में, ऐसा नहीं कि मेरे को आती नहीं. दिमाग में मेरे, मैं बोलने में अटक बस ये मैं छक्का लगाना चाहती हूँ इसके साथ. भाई साहब बड़े टॉल क्लेम्स है, लगा भी है साहब. ऐसा नहीं है, मैंने शो देखा, आप भी जरूर देखिएगा. इंटरव्यू तो खैर ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. जो आपके मन में वो हुआ है ठीक है, जरूर देखिएगा शो.